अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वहीद हसन। आज एक और फार्मर ने रब्ता किया तो उनका मैं मसला आपको बता दूं। पहले उसका मसला सुनते हैं और फिर आगे उसका हल मैं बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बता देंगे आपने एक बंडा बनाने का फार्मूला बताया, खल पनोला मकई काला नमक सफ़ेद नमक कैल्शियम पाउडर चोकर वगैरह, तो चावल के जो टूटे हुए चावल है। ठीक है सर, ये बताएं कि इनको भिगो के डालना है कि ऐसे डायरेक्ट जो है वो जानवर को खिला देना है, भिगोना है तो कितने घंटे भिगोना है, मेहरबानी सर ये बता दें। अच्छा, अब एक तो ये है कि जो है आपने अक्सर होता है कि कई ये क्वेश्चन अक्सर फेसबुक पे भी लोग पूछते हैं कि वंडा कोई भी है, कंपनी किसी कंपनी का है या प्राइवेट आपने या ख़ुद बनाया, तो उसको भिगो के डालना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि उसे भिगो के नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है कई ऐसे अज़ा होते हैं जब आप भिगो के डालते हैं तो वो फिर उनकी अफादियत कम हो जाती है, जिस तरह रात को भिगो के सुबह डालते हैं या ताज़ा। तो उसे बेहतर है कि आप उसे जैसे वो तैयार शुदा वंडा है, ड्राई हालत में खुश्क हालत में है, वैसे ही डालें तो जानवर उसे खा लेगा और जो है उसकी जो गज़ाइत जिस तरह होनी है वो पेट के अंदर ही हो जाएगी। हाँ, अलबत्त कुछ देसी नुस्खे होते हैं या जब कोई जो है उस वक्त आप वो चीज़ें हैं देसी नुस्खे जो हैं वो जिस तरह उबाल के देने होते हैं तो वो आप उबाल के मतलब देते हैं, या जिनको रात को भिगो कर देना होता है तो उनकी अफादियत उससे बढ़ जाती है। लेकिन ये क्योंकि ग़िज़ा है तो ये आप एस सच डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर इसमें जैसे है आपके वंडों में इंतहाई माइन्यूट मकदार में कुछ ऐसे चीज़ें मिली होती हैं कि जब वो पानी उनको मिलता है तो वो गैस बनकर उड़ जाती हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो उस तरह वंडे की अफादियत कम हो जाएगी, और अक्सर मैंने देखा है कि वंडे का फिर वो ऑप्टिमम वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। वजह यही होती है कि वो भिगो के डालते हैं, तो आप भिगो के ना डालें तो वो बेहतर है आपके लिए। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका निगेबान हो। अल्लाह हाफिज़।